Om Jnanatim Randasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Numilitam Ena Tasmai Shri Gurve Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Isthapitam In Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svagdantikam. Vande Aham Shri Guru Shri Utpad Kamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvitam Savadhutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitascha. He Krishna Karuna Sindho Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute. Tapt Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanu Sudai Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalp Taruvyascha Kripasindubhya Evucha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakti Vrind. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Gopal. Aaye mere premi behan bhaiyo, श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग समारोह में हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। श्रीमद् भागवत गीता परम आनंद का शास्त्र है। जो भागवत गीता की शरण में रहते हैं उनके घर में से कभी भी आनंद विदा नहीं होता, यह मेरा अनुभव है, संतों का अनुभव है। ये भगवान की वाणी है, भगवान की प्रतिज्ञा है। इसमें जो गीता की शरण लेते हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं और इस संसार में आनंदित रहते हैं। ना जाने क्यों लोग अमृत के कलश से दूर हटते जा रहे हैं और जहर के कलश में मुंह टिका रहे हैं। जमाना बदल गया है, कलयुग का प्रहरा है। चेंजिंग इज द लाइफ। ये दुनिया में बदलाव आने से ही ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का समय का डिवीजन विभाजन हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी बदलाव आता है, बचपना जवानी बुढ़ापा और मृत्यु। इस संसार का भौतिक दुनिया का विधान है, धर्म है बदलाव आना। छह विकारों से ग्रस्त है ये सारा ब्रह्मांड। जन्म लेता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, फैलता है, प्रोड्यूसिंग बच्चे पैदा करता है, दूसरे प्लैनेट्स पैदा करता है, ग्रह ऊपर ग्रह पैदा करता है। हम भी बच्चे पैदा करते हैं। कुछ समय के लिए स्थिर रहता है,
फिर इस डुंडलिंग यानी बुढ़ापे की ओर जाता है, जीर्ण होने लगता है, कुछ इसमें बीमारियां प्रकट होती हैं, जैसे आज बीमारियां प्रकट हो रही हैं, कैंसर फैल रहे हैं, एड्स की बीमारियां, एड्स फैल रही है, डायबिटिक्स, कैंसर, नाना प्रकार के रोग फैल रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है, भूमि को, भूमि की शुद्धता खत्म कर दी गई है, नाना प्रकार के फर्टिलाइजर्स डाल डालकर नदियों को अपवित्र कर दिया है, पृथ्वी में फैक्ट्रियों के और विषैली गैसों ने सागरों को मलिन कर दिया है। ये पृथ्वी की दशा है, फिर ये ब्रह्मांड में तो अनंत पृथ्वी है, हजारों हजारों गैलेक्सीज, तो समय के अनुसार ये बदलाव आते हैं, बुढ़ापा आता है, जीर्ण होता है, बीमारियां आती है, और फिर एक दिन अनाइलेशन होती है, प्रलय होती है, मृत्यु आती है सबकी, ब्रह्मांड की, पृथ्वी की, आपकी, हमारी, सबकी। तो ये छह विकारों से ग्रस्त है भौतिक संसार, विकार मुक्त नहीं है, विकार युक्त है। विकार मुक्त होना है तो ये भौतिक संसार से दूर जाना पड़ेगा, और भौतिक संसार से दूर जाने का मतलब यह है कि आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिए। अंग्रेजी में इटर्निटी कह के बोला है, शास्त्र में वैकुंठ जिसको बोला है, जहां कोई कलेश व्याधि विकार नहीं, जहां जीवन स्थिर है, इटर्नल है, हर वस्तु इटर्नल है, समय भी वहां का इटर्नल है, भौतिक संसार का समय भौतिक है, वो इटर्नल समय है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के विषय में सभी को बोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन उनका शिष्य है, प्रिय शिष्य है, प्रिय शिष्य को जितनी प्रिय बात और रहस्य सारे भेद खोल सकता है एक गुरुजी, सद्गुरु, ऐसा हर एक शिष्य को नहीं खोलता। तो प्रिय शिष्य भी है, ऐसा प्रिय शिष्य कि वो सखा भी है, मित्र भी है, गुरुजी का मित्र भी है। तो फिर गुरुजी सभी सबसे रहस्य भरी, रहस्यति रहस्य भरी बातों को अपने शिष्य अर्जुन को कह रहे हैं, गुरु स्वरूप से कृष्ण भगवान। तो उसका लाभ अर्जुन को ही नहीं, जो भी इस वार्तालाप को कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में जो भी वार्तालाप हो रही है, इनको जो सुनता है, पढ़ता है, उन सबको लाभ मिलता है, मिलता रहेगा। समय के अनुसार लोग कभी भगवान से दूर होते चले जाते हैं तो अंधकार आता है। भगवान सूर्य के समान है, जब भगवान की ओर चलते हैं लोग तो प्रकाश आता है, तो सत्युग आता है, त्रेता आता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं द्वापर आता है, और दूर चले जाते हैं भगवान से तो कलयुग आता है, अंधकार आता है, अज्ञान आता है। तो फिर आदमी क्या करता है, एटम बनाता है, तमाम जानवरों को और यहां तक भी मनुष्यों को मनुष्य मार के खाता है, बहन बेटियों का पता नहीं चलता, कौन बहन है कौन बेटी है, कहीं भी जहां मन करे संभोग करता है,
सारा बदलाव आ जाता है, विकार पैदा हो जाता है, विकार गहराता है तो कलयुग आता है, फिर भगवान को लोग भूलने लगते हैं, भगवान से दूर निकल गए होते हैं, शास्त्रों को भूलने लगते हैं, लेकिन संत, कोई कोई बिड़ला संत शुद्धता से भगवान का भजन करके और जो भगवान की अनुभूति किए उनको समाज में बतलाता है। तो जो वास्तव में जो पूर्णकर्ता आत्माएं हैं वो ऐसे सत्संग में जाती हैं जहां कोई शुद्ध भक्त भाषण कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो, कथा बोल रहा हो, भगवान के विषय में कह रहा हो, भगवान के धाम को जाने का मार्ग बतला रहा हो, प्रकाश की ओर खींच रहा हो सबको, तो भाग्यशाली सत्संग में पहुंचते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम हो जाती है। जो संख्या भावुक भक्तों में होती है वो संख्या कम हो जाती है, भावुकता भी कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का, धर्म की ओर से इंटरेस्ट हटने लगता है और चील गाड़ियों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, एरोप्लेन कारों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, थोड़े से धनाढ्य हो जाते हैं तो भगवान को कुछ नहीं समझते, जबकि होना ठीक दूसरी तरह से चाहिए। धनाढ्य आदमी के हृदय में भगवान ज्यादा स्थापित होने चाहिए, उसको ये ज्ञान तो होना चाहिए कि ये धन आया कहां से, ये वैभवशील में बना कैसे, बिना प्रभु की कृपा के कैसे बना, अरे सारी प्रभु की प्रॉपर्टी है तुमने समेटी है और तुम उसका भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते, उस प्रभु परमात्मा को शुक्रगुजार भी नहीं बनते उसके, ये तो चोरी करना हुआ भगवान की प्रॉपर्टी का। भगवान को भूल जाना अभागे का काम है, भगवान को अपने जीवन में सामने रख के चलना ये भाग्यशाली व्यक्ति के काम है। तो आइए भाग्यशाली व्यक्तियों में ही हमारी गणना हम कराएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि यानी ज्ञान, बुद्धि आपका ज्ञान का डिपार्टमेंट है, समझिए कि सारे सेनेट ये बुद्धि में ही बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट सहित, राष्ट्रपति सहित, प्रेसिडेंट का मतलब आजकल दूसरा निकाल दिया लोगों ने, कोई भी कहीं भी प्रेसिडेंट हो जाता है, छोटी सी कोई संस्था खोल लो तो चेयरमैन बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, खजांची बन जाओ, तो ये सारे वित्त मंत्रालय वगैरह सब वही संभाल लेते हैं, छोटी सी संस्था खोल के प्रेसिडेंट बन जाते। तो जो प्रेसिडेंट है वास्तव में जो शब्द था राष्ट्रपति शब्द, उसके सामने प्रेसिडेंट शब्द की कीमत कम हो जाती है। राष्ट्रपति शब्द से संबंधित होता है कि वो राष्ट्र का पति है, राष्ट्र का रक्षक है, पति यानी रक्षक। तो ये बुद्धि जो हमारी है ये इसमें सारे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, जितने भी बुद्धि के सेल हैं वो ज्ञान के सेल्स हैं जिनमें ज्ञान रहता है। हमारी हमारी खोपड़ी में भी डिपार्टमेंट बहुत विशेष है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में शायद इतने दफ्तर नहीं होंगे, ऑफिसेज नहीं होंगे जितने हमारी बुद्धि के अंदर हैं। बड़े भारी रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे होते हैं, बड़े भारी ज्ञान प्रसारण होता है यहाँ से, जज और सुप्रीम जज यहाँ बैठते हैं हमारी बुद्धि में।
मन मंत्रालय है, यहां भी विचार चलते हैं। ये मंत्रालय का प्रस्ताव तो सिग्नेचर तभी होगा जब बुद्धि के पास जाएगा, तो बुद्धि ये सुप्रीम कोर्ट है हमारी, इसमें ज्ञान प्रसारण होता है, इसमें लॉ है, इसमें ज्ञान है। तो भगवान आपको बुद्धि दे रहे हैं, बोलते जो मेरा भजन, बोल रहे हैं कि जो मेरा भजन करता है लगातार अर्जुन, उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि के द्वारा भगवान से मिलना, योग मानी मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन बुद्धि के द्वारा, यानी ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा भी, प्रेम के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा भी, लेकिन यहां ज्ञान दे रहे हैं भगवान। ज्ञान के बिना तो, जब ज्ञान ही नहीं किसी को तो भक्ति किसकी करे और कर्म किसके लिए करे। तो ज्ञान की यहां प्रधानता दे रहे हैं। ज्ञान होगा तो प्रेम करेगा आदमी, ज्ञान ही नहीं तो कैसे प्रेम होगा? चट्टान का ज्ञान नहीं है तो चट्टान से कोई प्रेम नहीं करता। हीरे का जैसे किसी को ज्ञान नहीं हो, वो हीरे से क्या प्रेम करेगा? हैदराबाद के नजदीक में गोलकुंडा की खान है, जहां पर कोहिनूर हीरा मिला था। गोलकुंडा की खान जहां पर है, वो सिर्फ एक खेत था, एक किसान का खेत था। किसान जो हल चलाता था तो कभी कभी कोई चमकने वाला पत्थर तो उसको मिल जाता था, तो उस पत्थर तो होते ही, कोई चमकीले होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई पीले होते हैं, कोई नीले होते हैं, तो किसान तो भोले होते, भोला था, लेकिन कोई सुंदर सा गोल गोल पत्थर मिलता था तो अपने बच्चों को खेलने के लिए घर ले आता था वो किसान। बच्चे खेलते थे, अपने कहीं रख देते थे इधर उधर कोने कचोने। एक दिन उनके घर में, उस किसान के घर में रात हो जाने से एक जौहरी अतिथि हो गया, मेहमान बना, रात को रुका वहां। किसान ने भोजन करवाया, चारपाई बिछाई सोने के लिए, लेकिन जब भोजन कर रहा था जौहरी, तब उसने एक कोने में पड़े हुए चार पांच गोल गोल पत्थर देखे चमकीले। तो भोजन में तो उसका ध्यान कहां, हीरों में जाके, वो पत्थर नहीं थे, वो तो हीरे थे, जौहरी को इसकी परख थी। भोजन करने के बाद में उसने हाथ में लिए तो वो तो सचमुच ही हीरे थे। तो किसान से क्या कहें, जाने लगा तो किसान को हाथ जोड़े कि बस मैं चला जाऊंगा, अभी सुबह का वक्त है, रात निकाल ली आपके यहां, लेकिन एक चीज आपसे मैं मांगता हूं यदि आप दें तो। किसान ने कहा, मैं गरीब किसान हूं, मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है आपको जो शोभा लगे देऊं जिस चीज को, लेकिन आपकी कोई इच्छा है तो बोलो क्या है, कौन सी चीज है मेरे घर में जिसको आप चाहते हैं। बोले कोने में जो चार पांच पत्थर पड़े गोल गोल वो मुझे दे दो। बोला अरे वो तो पत्थर के टुकड़े हैं, ले जाओ, ये तो मैं खेत में मिल गए थे तो मैं बच्चों को खेलने के लिए लिया था, आप ले जाओ और मिल जाएंगे, और ले आऊंगा बच्चों के लिए। लेकिन वो जौहरी बड़ा ईमानदार था, ये सत्य घटना है, उसने कहा कि मैं ले तो जाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं लूंगा, इसके बदले में आपको मैं कुछ दूंगा, ये लो। तो 10,000 रुपये देने लगा। तो कहा अरे भाई इतना पैसा क्यों देते हो, ये तो पत्थर के टुकड़े, आप ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोल नहीं, आप नहीं जानते लेकिन मैं तो जानता हूं इनकी कीमत, मैं जौहरी हूं और ये पत्थर साधारण नहीं है,
इसलिए मैं 10,000 रुपए देता हूं, आप रख लो ये। किसान ने रख लिए, जब इतना कहा कि ये विशेष पत्थर है, लेकिन किसान को अब भी पता नहीं है। आखिर किसान के सामने कोई मुसीबत खड़ी हुई और उसने अपना खेत बेच दिया किसी को, किसान को तो मालूम नहीं था कि खेत में हीरे पैदा होते हैं या हीरे हैं, लेकिन जिसने खेत खरीदा किसान से उसको तो मालूम चल गया। वो ही धीरे धीरे जाके वो खेत ही गोलकुंडा की खदान बनी, जिसमें से हीरे निकले थे, निकल रहे हैं, और कोहिनूर जैसा हीरा भी उसी में मिला था। तो भगवान जब बुद्धि देते हैं आदमी को तो भगवान की प्राप्ति होती है। बुद्धि के बिना तो कुछ भी पता नहीं चलता, पत्थर का भी पता नहीं चलता कि पत्थर है या हीरा है। ज्ञान से तो मालूम चलता है कि ये हीरा है, तो ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे मालूम चलेगा। तो भगवान तत्व ज्ञान देते हैं, बुद्धि ददामी योगम, ये तत्व ज्ञान है भगवान का दिया हुआ, जिससे भगवान को पूर्ण रूप से आदमी जान सकता है। ये गीता का ज्ञान है, ये भगवान के भक्त को ही मिलता है। बोलता गीता तो हम खरीद लेंगे, ये तो थोड़े से पैसे में आती है, लेकिन ऐसे गीता खरीदने से ज्ञान नहीं मिल पाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा, आपको शुद्ध होना पड़ेगा, तब वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो उसको भगवान ने बुद्धि योग कहा है, जिस ज्ञान के द्वारा भगवान को मिला जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के धाम को पाया जा सकता है। तेन माम उपयान्ति ते, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान कह रहे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, ए ददामी बुद्धि योगम तम एनु माम, ददामी बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ति ते, जिस बुद्धि योग के द्वारा मुझे पाया जा सकता है, मेरा परम धाम पाया जा सकता है, ऐसा मैं बुद्धि योग, ऐसा ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान मेरे शुद्ध भक्त को देता हूं जो सतत मेरी सेवा में रहता है। तो भगवान हमारे हृदय में ही ज्ञान स्वरूप से भासते हैं, तो प्रकाश होता है हमको, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, तत्व ज्ञान प्रकाशित होता है, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब देन भगवान की है। भगवान तो साधारण सी बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। भगवान ने तो कहा है इसी अध्याय में, बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह सत्यम क्षमा दमा क्षमा, ये सब भगवान के यहां से आते हैं। साधारण बुद्धि भी भगवान के घर से आती है, फिर यह बुद्धि योग, जिस बुद्धि योग के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है, परमेश्वर के घर जाया जा सकता है, वो बुद्धि योग भगवान कहते हैं कि मैं उस मेरे भक्त को जो प्रयास करता है, मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे कर्म करता है, मैं देता हूं। बुद्धि योग ही शुद्ध भक्ति है, यही तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाए, अनुभव गम्य, उसको सेल्फ रियलाइजेशन अंग्रेजी में कहा है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, भगवान आत्मा के दर्शन करा देते हैं। तो आत्मा के जब जिसको दर्शन हो जाए उसको आत्मदर्शी कहा है, परमहंस कहा है, प्रकाशमान कहा है। तो प्रकाशमान जब
व्यक्ति हो जाता है, आत्मा के दर्शन कर लेता है, तो फिर तो परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर बरस गई। फिर जिनका प्रेम जहां पर है उनको उनकी प्राप्ति हो जाती है। निराकार से प्रेम है तो निराकार की प्राप्ति हो जाती है, साकार से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। एन मामु पयांति थे, उस ज्ञान को उस बुद्धि योग को प्राप्त करके वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्त को ही तो मैं देता हूं। ये बुद्धि योग भी भगवान अपने भक्त को देते हैं उसी रूप से जिस रूप से वो भक्ति करता है। निराकार की भक्ति करता है उसको निराकार का बुद्धि योग देते हैं, साकार की करता है साकार की बुद्धि योग देते हैं। भगवान का साकार स्वरूप सर्वोपरि है, निराकार उनका द्वितीय स्वरूप है, और एक यूनिवर्सल फॉर्म विराट स्वरूप ब्रह्मांडीय स्वरूप ये भगवान का तृतीय स्वरूप है। तीन रूपों में भगवान ने अपने दर्शन दिए हैं अर्जुन को। अर्जुन इतना प्रिय मित्र है भगवान का, साक्षात कृष्ण स्वरूप।